ये मैं हूँ, ये हमारा सेट है और यहाँ पे शूटिंग हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग चैनल। और अभी बज रहे सुबह के 9 और आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि 9 बजे और ये 9 बजे उठी है, ये 12:30 2 बजे उठने वाली। आज मैं जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज मेरे शूट का है day 1, मेरे शूट का पहला दिन है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगी अपने शूट के लिए जहाँ पे मेरा शूट होने वाला है, जो सेट है, और मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी निकलेंगे क्योंकि अभी अभी मैं बस रेडी हुई, जस्ट ब्रेकफास्ट किया है। तो अभी चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको रास्ते में बताऊँगी। थैंक यू भैया। हाय करण, हाय। ब्लॉगिंग करती आई, दूसरी कार में चली गई, उसको रियलाइज भी नहीं हुआ। अरे कल व्हाइट वाली कार थी ना, दैट्स व्हाई मुझे याद ही नहीं रहा। हाय विवेक। नहीं, मुझे तो कोई जानता नहीं है। ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा इंट्रो कौन देता है यार। अरे विवेक, करण दिल्ली का है ना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली के वाले ऑडियंस दिल्ली, उसकी दिल्ली की ज्यादा है। बस ऐसे तो आप मास्क उतारो, आपके भी देखो, मेरी महाराष्ट्र के भी बहुत सारी ऑडियंस है। महाराष्ट्र के है। अरे आपका यार, आपका चश्मा कितना सही लग रहा है ना। कहाँ से लिया आपने? वो नहीं बता। ये मैं आज चोरी करने वाली हूँ, आज मैं विवेक का चश्मा चोरी करने वाली हूँ। और विवेक को विवेक की शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है, तो आज बहुत सारे सवाल में विवेक का जाने, बहुत सारी चीज आज मेरी चोरी होने वाली है। तो अभी आपको सारी चीजें मैं दिखाने वाली हूँ, चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे एक जना और है जो आ गया है। हाय देवीशी, कैसे हो आप? अमेजिंग। तो गाइज ये भी है हमारी टीम में देवीशी, तो अभी ये भी आ गई है। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं मडगांव, और ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है मंदिर का सेट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सारा शूटिंग का काम होता है। रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग ना हो रही हो? किसकी ये रिश्ता क्या कहलाता? अरे यार मजा आ जाएगा अगर उसकी शूटिंग हो रही होगी। और यहाँ पे भी सारे सेट बने हुए हैं। क्या है उसका नाम? शिवांगी जोशी। मेरे को उससे मिलना है, मैं सोचू कैसे मिल सकते हैं। ये व्लॉग वायरल हो जाएगा, वो अपने आप आ जाएगी। शिवांगी जोशी। तो गाइज ये है हमारी वैनिटी वैन, अभी चलते हैं। और ये दो हैं मेकअप आर्टिस्ट। हेलो सर। हेलो। ये अपना मेकअप करने वाले, अच्छा अच्छा सुंदर सा बनाने वाले मेरे अच्छे से चेहरे को। ऑलरेडी सुंदर हूँ मैं, इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या कर्स में लिपा बहुत ही स्टार्ट हो जाएगी। वैसे पिछली बार वीगो वाले टाइम पे भी आपने मेरा मतलब मेकअप किया था, बहुत अच्छा था। हाँ मुझे अच्छा लगा था। तो गाइज मेकअप और हेयर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लगता है। लुक मैं बाद में रिवील करूंगी, वो मैं पहले रिवील नहीं करूंगी क्योंकि भैया के मेकअप करने का फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं पहले दिखा दूंगी। तो पहले पूरा रेडी हो जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे है आप इधर ये है स्नेहा शर्मा, इनका इंस्टा पर डालूंगी क्योंकि ये है डिजाइनर, ये मुझे कपड़े देने वाली है। वैसे तो ये बड़े बड़े लोगों को कपड़े देती है, आज मेरा लकी डे है कि ये मुझे कपड़े देती है। मैं स्टाइल कर चुकी हूँ और तब मेरी बेइज्जती भी कर चुकी। ऐसा कुछ नहीं है आंटी। आंटी भी अब नहीं होगा क्योंकि मैंने इनकी प्रोफाइल पहले नहीं देखी थी, अब देख ली। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मैम निकली। नाइस, विल स्टाइल यू वेरी नाइस। ओके थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ओके मैं जितना भी बोलूँ मुझे डार्क लिपस्टिक नहीं देनी है, न्यूड रखना है बिल्कुल। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू इतना खूबसूरत मेकअप करने के लिए। हेलो थैंक यू। और विवेक जी कैसे लग रहा है आपको रेडी होके? रेडियो के बहुत सही लग रहा है। सही लग रहा है। यस। आपकी टी-शर्ट खुद की है या आपको डिजाइनर ने दी है? अगर खुद की है तो मुझे दे देना चाहते वक्त। ये डिजाइनर की लग रही है। डिजाइनर की है तो रख लो फिर। प्लान तो हमारा भी है ढापने का। मतलब ढापने का मतलब क्या? काश डिजाइनर के कपड़े हम चोरी कर सकते। पॉसिबिलिटी है अगर अच्छा खरीद सकते हैं। तोहफा बोल के दे देंगे। तोहफा बोल के दे देंगे। डिजाइनर है ये नहीं, ये नहीं देंगे। बोल अपना बोलते हैं मेरा। मैम मेरा बर्थडे साल में ना 4 बार आता है, तो आपके 4 कॉस्ट्यूम मुझे चाहिए। रेडी रोल एंड 3, 2, 1 एक्शन। ये मैं हूँ, ये हमारा सेट है और यहाँ पे शूटिंग हो रही है। क्या हो रहा है? शूटिंग हो रही है। तो हमारा गाइस एक एपिसोड जो है वो डन हो गया, एक नहीं काफ़ी एपिसोड डन हो गए, पता ही नहीं चलता।
और हम लोग हैं ना चार, हम सारे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हालत देख सकते हो। तो गाइस जब तक मैं शूट करती हूँ और हम लोग सेट पे होते हैं, यहाँ पे एक आदमी है मयंक कौशिक जो बहुत ही गंदे तरीके से बोर होता है, पछतावा हो रहा है इस बेचारे को। मजबूरी है, है? मजबूरी है, अपने दोस्त के लिए तो इतना सैक्रिफाइस करते हैं। मजा आ रहा है, अरे तुझे क्या ही मजा आएगा, बट शूटिंग अच्छी हुई। आज मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक ठाक लग रही हूँ बस। और आज तो मैंने इतना अच्छा मेकअप किया है, इतने अच्छे बाल बनाए, ठीक ठाक लग रही हूँ। मेकअप तो लोग बाकी लोगों को पता है ना, मुझे तो ऐसी लग रही है जैसे लगती है। अबे साले। तो गाइज अभी बज रहे दोपहर के 3 और हम सुबह से लगे हुए हैं और अभी भी बहुत सारे शॉट्स बाकी है, बिकॉज अभी 20 एपिसोड हमें शूट करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे आना, बहुत मजा भी आ रहा है, बट बहुत थकावट भी हो रही है, बट ठीक है अभी देखते हैं आगे क्या क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पे आया है ये खाना, तो लंच ब्रेक मिला है हमको, वो भी बहुत थोड़े से टाइम के लिए, तो हम अभी खाना खाने वाले हैं, फिर दोबारा से शूट स्टार्ट हो जाएगा, तो खाना खा लेती हूँ वरना आकर बोलेंगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। A few minutes later. तो गाइस हमारा लंच ब्रेक हो चुका है ओवर और शाम के बजने वाले हैं 4 और तुम्हें तो 10 मिनट सोना था, तुमने कहा था मैं सोने जा रही हूँ। सब सुन के कहाँ नींद आएगी, कहाँ नींद आएगी, डिप्रेशन दे, ये डिप्रेशन में तो मेरा दोस्त है बेचारा। मैं कहना चाहती हूँ, ये व्लॉग है ना तेरा, मैं कहना चाहती हूँ ये दोस्त गोल्ड है, गोल्ड है कि डायमंड है, ये इतना बोर हो रहा है। मेरा दोस्त गोल्ड है और मैं गोल्ड डिगर हूँ। हमें जाना पड़ेगा। हेलो मैम, हाय, हमारा व्लॉग शूट हो रहा है और ये है आपका नाम? आशिमा। आशिमा फ्लिपकार्ट की तरफ से पैसे नहीं दे रहे हमको, मिल जाएंगे टाइम पे, टेंशन नहीं है, यही है मेन मालिक तो यही कमेंट्स है। में हम अपडेट कर देंगे क्या सीन है। इधर विवेक, अभी जाना है क्या हमको? चल। तो गाइज अभी हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं, शो बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग। तो गाइज देखिए अभी यहाँ पे कौन आया है, जूबी डार्लिंग जो मेरे साथ पहले मेरे शो पे थे। तो भाई क्या चले, याद नहीं करते टेंशन मुझे? मैं तो तुम्हें याद कर रहा था इसलिए। नहीं नहीं जूबी वाले स्टाइल में नहीं, अभी मुझे जूबी वाला स्टाइल चाहिए। मैं तुम्हें याद कर रहा था लेकिन फिर तुम आ गए यहाँ पे मेरे दिल में। नवाज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, देखो यहाँ पे किसे कॉल आ रहा है, वो बंदा वहाँ से आ गया। अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज़ बताओ। मेरे को निशु का बहुत याद आ रहा था। अरे अरे अरे, मैंने दिल से दुआ किया वो बॉम्बे आ गई। अच्छा। बॉम्बे ने मुंबई। आमिर खान। देखो निशु, मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। ओके। लेकिन तुम मेरे बर्थडे पे नहीं आई। लेकिन तुम आज आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। दोस्त आ गया यहाँ पे, तू गए क्यों वापस? देखो ये बंदा चला गया, ये मुझे बुला के चला गया। फोन स्विच ऑफ हो गया, कोई चार्ज नहीं दे रहा। इनको मैं कॉल कर रहा था, इनका फोन नहीं लग रहा था। व्हाट इज दिस? तुम्हारी कहां से क्वेश्चन था? बात तो कर लो अभी, तू बात कर। मैं कहीं बाहर था। आप तो भाई बड़े लोग हो, आपके सूट होते। तो गाइस अब भी शाम के बज रहे हैं 7, मतलब 7 बजने वाले हैं और हमें दिया सिर्फ और सिर्फ 20 या 15 मिनट का टाइम दिया है, तो ताकि से कि हम लोग जल्दी से अपना फोटो शूट करवाएं और फिर कॉस्ट्यूम चेंज करें, उसके बाद फिर से हमारी नेक्स्ट अगली शिफ्ट जो है 8 से रात के 2 बजे 1 बजे तक जो भी चलेगी वो हम करने वाले हैं। तो वैसे ही हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बट काम तो काम है, वो हमें करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो, हम तो कर ही रहे हैं। तो गाइज अब भी टाइम है हमारा कॉस्ट्यूम चेंज करने का और मेकअप हेयर सब कुछ चेंज होगा, बिकॉज सेकेंड वाली शिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो रेडी करें? हम रेडी हैं। ठीक है चलो। तो गाइज अभी बज रहे रात के 2 और मेरे दोस्त की हालत देख सकते हो आप कैसी हो गई है। क्या हो गया, रोना रहा है? नहीं यार, मतलब कमर टूट के मैंने आज काम किया, मेहनत किया, बट यार अब जाके सो। और जो शोर है यहाँ पे सराउंडिंग में चल रहा है, इससे आपको पता चल गया होगा कि क्या हो चुका है, पैकअप। आज हमारा फर्स्ट डे था शूट का, तो आज पैकअप हो गया है।